दुई ग्राहक बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। संबंध के सत्यापन कीजिए, संबंध की सत्यता की सत्यापन कीजिए। इस सवाल हम लोग लगा चुके थे, आज उसी टाइप का देखिए, उसका एक चौथा खंड है। देखने मालूम होता बाइनोमियल नहीं है, 4u² + 8u। तो हम क्या देख रहे थे, ये किस टाइप का होना चाहिए हम जानते हैं। यदि कोई व्यंजक, कोई एक्सप्रेशन या कोई पॉलीनोमियल ax² + bx + c = 0 के रूप का हो और इसके दो रूट्स इसके दो जीरो अल्फा और बीटा हो तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा c/a होता है और पुनः x = -b + √b² - 4ac / 2a होता है, ये हम जानते हैं। तो अब हम देखेंगे फिर अगेन दूसरी तरह से इसको हम कह सकते हैं। If the roots of zeros of roots of a polynomial, a quadratic polynomial of a quadratic polynomial, a quadratic equation is alpha and beta, then that equation must be x² - α(β) × x + α(β) = 0। अब आइए देखिए, ये कह रहा है 4u² + 8u पॉलीनोमियल है, इसके रूट्स को ज्ञात कीजिए और उसके बाद फिर क्या कीजिए, इनके गुणांकों और रूट्स में संबंध स्थापित कीजिए, गुणांकों और रूट्स के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, इसमें ax² + bx + c का ये c नहीं है तो इसको हम लोग शून्य मान लेंगे, बराबर जीरो लिखिए। अब यहाँ आप देख रहे हो a = ax² से तुलना कीजिए, कंपेयर कीजिए, ax² + bx + c = 0, a = 4, b = 8, c = 0, then u = -b - 8 + -√b² - 4ac - 4 × 4 × 0 / 2a, 2 × 4 = −8 + √64 - 0, सिर्फ रह गया 64 / 8 = −8 + −8 / 8 = पहले प्लस हम ले −8 + 8 / 8 = 0, u =
माइनस एट माइनस एट अपान एट इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन अपान एट इज इक्वल टू माइनस टू. हेंस वी गेट द टू जीरो वन इज जीरो एंड दूसरा माइनस टू. अब आइए इनके कोफिशियंट्स और रूट्स कोफिशियंट्स और रूट्स के बीच हम संबंधों को रिलेशंस के सत्यता की जांच कर ले. क्या हम जांच करेंगे? हम देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए है कि नहीं है. अल्फा प्लस बीटा निकालिए. अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये मूलों का योग क्या होना चाहिए? बी बाई ए होना चाहिए. तो अल्फा बराबर है जीरो, बीटा बराबर है माइनस टू, तो बराबर हो गया माइनस टू. अब देखिए माइनस टू आता है कि नहीं. माइनस बी बाई ए निकालिए. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी माइनस हो गया माइनस एट अपान ए क्या है चार, बराबर हो गया माइनस टू. आप देख रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए है. ये जांच हो गई. दूसरा जांच करना है अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल बराबर सी बाई ए होना चाहिए. तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है जीरो है, बीटा है जीरो इंटू माइनस टू इज इक्वल टू कितना सी बाई ए बराबर जीरो, जीरो बाई फोर. आप देख रहे हो भी जीरो बराबर जीरो यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो हम देख रहे हैं कि इसके कोफिशिएंट्स और रूट्स और रूट्स में जो रिलेशन है वो सही है. ठीक, अब आगे बढ़िए. इसी तरह से देखिए दूसरा. हाँ, आगे देखिए. एक है टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन, ये है आपका फिफ्थ पार्ट. टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो. इसमें भी सोचते होंगे कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसको इस ढंग से आप लिख लीजिए. इसको हम लिख सकते हैं और क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माने वन टी स्क्वायर भी नहीं, एक लिखोगे प्लस जीरो टी, जीरो टी प्लस प्लस क्या आ गया माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो. इस तरह आपने लिखो. अभी आपने देखा ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू जीरो, सी इज इक्वल टू माइनस फाइव. अब हम जानते हैं x इज इक्वल टू चाहे कहिए t इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल अपॉन टू ए. माइनस बी 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 टू जीरो हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस जीरो इसका जीरो हो गया, माइनस फोर ए सी माइनस चार गुणे ए है एक अस्सी बराबर है माइनस पांच. जब दो चिन्ह एक साथ हो जाए तो वहां कोस बना देना चाहिए. इस तरह से होल अपॉन टू ए दो गुणे एक इज इक्वल टू जीरो माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो माने कुछ नहीं, यहाँ कुछ ना लिखिए. प्लस माइनस अंडर रूट ये जीरो क्या हो गया, जीरो माइनस चार का गुणा किए माइनस यहाँ का एक पद, यहाँ से याद है कि पूरा एक पद है ये. प्लस कितना हो गया बीस, चार पंचे बीस होल अपॉन टू इज इक्वल टू टी बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस बीस को हम कह सकते हैं चार गुणे पांच बराबर कितना हो गया चार गुणे पांच. तो चार का वर्गमूल हो गया दो, तो टू अंडर रूट फाइव अपॉन टू, टू टू कैंसिल हो गया इज इक्वल टू प्लस माइनस फाइव ये टी बराबर हो गया. अब दो रूट्स हो गए यानी अल्फा बराबर हो गया पांच, बीटा बराबर इक्वल टू माइनस पांच. अब आप उन्हें जांच कीजिए किसकी,
कि क्या ये गुणांक, यहाँ ये गुणांकों का योग देखिए कितना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए है कि नहीं है, कोएफिशिएंट्स की जांच कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है प्लस पांच, बीटा है माइनस पांच, प्लस पांच नहीं अंडर रूट पांच है, ये अंडर रूट, अंडर रूट प्लस पांच, अंडर रूट माइनस पांच, माइनस अंडर रूट पांच, ये हो जाएगा अंडर रूट पांच और माइनस अंडर रूट पांच बराबर बी बाई ए। बी बराबर कितना है, बी बराबर जीरो, जीरो अपॉन ए, ए बराबर एक, तो अंडर रूट पांच माइनस अंडर रूट पांच जीरो हो गया, जीरो बराबर जीरो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स आर ट्रू, है ना, सत्यता की ये जांच हो गई। दूसरी सत्यता देखिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा बराबर है अंडर रूट पांच प्लस अंडर रूट पांच, ये गुणे ये है माइनस अंडर रूट पांच, ये हो गया अल्फा बीटा, और सी बराबर है कितना, माइनस पांच बटा ए बराबर एक, तो अंडर रूट प्लस पांच में अंडर रूट माइनस पांच में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा हो गया माइनस, या माइनस अंडर रूट पच्चीस, अंडर रूट पच्चीस का वर्ग रूट पांच बराबर माइनस पांच, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स इज ट्रू, ये सत्यता की जांच हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो पार्ट इसमें छूट गया उसको हल कर लीजिए, वो सब बहुत आसान है। क्या है दूसरा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट इज गिवन, फाइंड आउट ए पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच द सम ऑफ रूट्स दैट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज, सम ऑफ जीरोस इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज माइनस वन। कैसे आप ज्ञात करोगे, आप जानते हो कि द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा, आर अल्फा एंड बीटा, देन दैट इक्वेशन या दैट पॉलिनोमियल मस्ट बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो, या इसी को कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस योग एक्स टैक ऑफ सम एक्स प्लस प्रोडक्ट या गुणनफल इज इक्वल टू जीरो। तो प्रोडक्ट भी योग दिया है, ये सम दिया हुआ है योग, और प्रोडक्ट गुणनफल दोनों दिया हुआ है, प्रोडक्ट माने गुणनफल, योग और गुणनफल दोनों दिया हुआ है। तो वो इक्वेशन कैसे आप लिखेंगे, the equation must be the equation that of the polynomial, the equation must be क्या होना चाहिए, x square minus sum x, चाहे तो योग x
प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस योग दिया हुआ वन बाई फोर, वन बाई फोर एक्स प्लस प्रोडक्ट दिया हुआ माइनस वन, माइनस वन इक्वल टू जीरो। पता को खत्म करने के लिए हारों के लघुत्तम से सभी पदों में गुणा कर देना चाहिए। सभी पद, पद किसे कहते हैं, प्लस या माइनस या बराबर के चिन्हों से विलयित राशियों को पद कहते हैं। एक पद, दो पद, तीन पद, ये हो गया। तो चार से इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें सब गुणा करते चले जाओ। और फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन हो गया। इसी तरह से और भी इक्वेशन लिखते जाओगे। एक और देखिए, दिया हुआ अंडर रूट टू, दूसरा पार्ट इसका। फिर कहोगे क्या दिया हुआ, फाइंड आउट दी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इन दी सम इज, कितना है सम दिया हुआ है, सम माने अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग दिया हुआ है, ये है अंडर रूट टू, और गुणनफल यानी प्रोडक्ट दिया हुआ है, कितना प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा दोनों का गुणनफल, ये दिया हुआ है वन बाई थ्री। और ये इक्वेशन मस्ट बी इक्वेशन पॉलीनोमियल इक्वेशन मस्ट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स का योग एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो, या एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू एक्स प्लस वन बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो। पता खत्म करने के लिए हारों के लघुत्तम से गुणा करते सभी पदों में, थ्री से इसमें गुणा किए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अंडर रूट टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये हो गया आंसर। इसी तरह से और भी लगा लेंगे। अब आइए, लगा ले रहे थे अभी, ये खत्म हुआ, कल दूसरा पॉइंट।